नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दाजू एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल 21 मार्च के एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, जिसके माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि 21 मार्च के दो पाली के एग्जाम में टोटल कितने लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं और 21 मार्च के एग्जाम में एग्जाम सेंटर के अंदर आपको कितने बजे तक एंट्री मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, बिहार पुलिस कांस्टेबल 11,880 पदों पर जो वैकेंसी दी गई थी, इसका मेट रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसकी भी इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने दाजू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग दाजू एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज की जानकारी जो आप लोगों को दी जा रही है, यह जानकारी जागरण और हिंदुस्तान के पोस्ट के माध्यम से जो जानकारी प्रकाशित की गई है आज 19 मार्च को, उसी के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी दी जा रही है। तो बिहार में निर्धारित समय पर ही होगा सिपाही भर्ती परीक्षा, अफवाह फैलाने वाले पर सीएचपीसी ने कराया है एफआईआर। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 21 मार्च के एग्जाम के संबंध में एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी कि इसका एग्जाम डेट कैंसिल किया गया है, और इस पर सीएचपीसी के पदाधिकारी के प्रसाद ने थाने में आवेदन देकर पर्षद और सरकार को बदनाम करने के लिए यह अफवाह फैलाने की बात कही है और मामले में तुरंत कार्रवाई करने की आग्रह किया गया है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 21 मार्च को दो पाली में फिक्स किया गया है और अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। अगर आगे इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को टोटल चार पाली में लिया जाएगा और इसमें टोटल 11 लाख बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया है। और आज भी एक झूठा नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 21 मार्च को लिया जाएगा। यह भी नोटिफिकेशन सीएचपीसी के वेबसाइट के माध्यम से जारी नहीं किया गया है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसका एग्जाम 21 मार्च को होगा, इसमें 5 लाख अभ्यर्थी इस बार शामिल होंगे और एग्जाम सेंटर के अंदर आपको अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो 9:40 के अंदर अगर आप लोग एंट्री करते हैं तो फिर आपको एग्जाम सेंटर के अंदर घुसने दिया जाएगा, अन्यथा आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जिनका एग्जाम दोपहर में है उनका गेट 1:40 बंद कर दिया जाएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 11,880 पदों पर जो वैकेंसी दी गई थी, जिसका फिजिकल एग्जाम हो गया है, इसको लेकर, इसके रिजल्ट को लेकर, इसके मेरिट रिजल्ट को लेकर आज की जानकारी हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द प्रकाशित किया जाएगा, यानी इस माह के अंत तक इसका मेरिट रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी होली से पहले 28 मार्च तक आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 11,880 पदों पर जो वैकेंसी दी गई थी, इसका मेरिट रिजल्ट 28 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा।